yeah, this video is regarding this carbon microphone. We are seeing this spring here, and movable plate is there, and from here sound pressure is there, and piston is there, carbon granules are there, and carbon chamber is there, fixed plate is there, breathing hole is there, and one resistance is also there, and output is there, as well as frame and diaphragm is there. So actually this is related with carbon phone. अब हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि ये इधर से साउंड प्रेशर आता है तो उससे पिस्टन मूव करता है, और ये मूवेबल प्लेट होती है जिसमें कि कार्बन ग्रेन्यूल, कार्बन के कण होते हैं. तो ये कार्बन माइक्रोफोन के बारे में चित्र है जिसमें एक फ्रेम होता है, एक पिस्टन होता है, एक स्प्रिंग होती है, मूवेबल प्लेट होती है, और कार्बन चेम्बर होता है, फिक्स प्लेट होती है, ब्रीदिंग होल होता है, और ये इधर आउटपुट लेते हैं हम. तो माइक्रोफोन किस तरह से ध्वनि आवृत्ति को विद्युत आवृत्ति में कन्वर्ट करता है वो इस सर्किट में बताया है कि साउंड सिग्नल किस तरह से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है. उस सर्किट का डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है, तो हम लोग इसमें सीखते हैं. अभी हम जानते हैं कि चार तरह के माइक्रोफोन होते हैं, कार्बन माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, और इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन, और क्रिस्टल माइक्रोफोन. तो उन सारे सर्किट्स के बारे में इस माइक्रोफोन में हम लोग पढ़ते हैं. तो वही हम लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से, और ये इस बोर्ड पे बताया है. ये सर्किट मेरी बिटिया ने बनाया है, भानुप्रिया ने, जो कि मार्कर पेन को इस्तेमाल में लेके और ये बताया. अभी इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि और कौन कौन से होते हैं माइक्रोफोन्स, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर. ये कार्बन माइक्रोफोन हो गया, इसके अलावा क्रिस्टल माइक्रोफोन, और कंडेंसर माइक्रोफोन, और इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो ये चार तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं जो कि हमारे EL 208 इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट है ऑडियो वीडियो सिस्टम, उसमें पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो इनके हमको सर्किट डायग्राम, स्पेसिफिकेशंस, और ये जो खत्री सर की किताब है इससे हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो वो अभी तो मेरे कॉलेज में रखी है जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में है, वहाँ पर अनिल कुमार खत्री सर ने किताब लिखी है ऑडियो वीडियो सिस्टम की, उसमें तो ये वीडियो उससे संबंधित है, और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं. तो वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन क्रिस्टल, कंडेंसर और इलेक्ट्रोडायनेमिक के भी ये सर्किट और स्पेसिफिकेशंस हम डिटेल में देखेंगे. धन्यवाद.